ये बोलता है कि 1,00,000 रुपए दोगे तो भी नहीं जाने दूंगा मैं। ये फिर लंग कमीते कदे 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 कर टाइम कर मुंदे बन प्लीज संदे संदे खंग बले लंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस आज समय आ चुका है इस होटल को छोड़ने का, शिलोंग को छोड़ने का। और आज हम लोग जाने वाले हैं डाउकी और चेरापुंजी, कोशिश करेंगे कवर करने की। हालांकि एक दिन में कवर नहीं होता है डाउकी और चेरापुंजी, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। पर फिर भी एक मन में तो एक पॉजिटिव चीज़ लेके चलें कि हाँ भाई आज कवर करेंगे। अगर इन केस नहीं कवर होता है तो हम लोग डाउकी में स्टे करेंगे, और स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे विज़िट वगैरह कुछ कर कुरा के, मतलब सेटलमेंट करके फिर वहाँ से कोशिश करेंगे आगे जाने की। बट अभी क्या है कि अभी ऐसा लग रहा है कि यार बहुत लंबा सफ़र हो गया है, कंधे वंधे दर्द करने लग गए हैं। तो अभी मन में ये विचार भी आ रहा है कि डाउकी तक एंड करते हैं, क्योंकि मैं जोधपुर से राइड करता 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 आसाम यानी गुवाहाटी पहुँचा। गुवाहाटी का कामाख्या दर्शन बाकी है, वो भी हमें करना है। फिर मैंने सोचा कि गुवाहाटी पहुँच गया हूँ तो अब मैं पहले ऐसे करता हूँ कि मैं शिलोंग और ये सब कवर करके आता हूँ। तो मैं शिलोंग आ गया, फिर अभी चेरापुंजी एंड डाउकी जाऊँगा, और फिर यहाँ से फ्री होने के बाद गुवाहाटी जाके कामाख्या दर्शन करना है। तो अब इच्छा नहीं हो रही कि भाई आगे त्रिपुरा जाएं, हालांकि मेरे प्लान में नहीं था ये, पर सोचा था कि इतना दूर आ गया हूँ तो वहाँ चला जाता हूँ। तो त्रिपुरा में भी शायद स्किप हो सकता है। तो मेरा टारगेट तो आसाम तक का ही था, मेरे बोर्ड में भी आपने देखा कि जोधपुर टू आसाम है, तो आसाम तो पूरा हो ही चुका है। अब मैं मेरी मर्जी से आगे मेघालय आया हूँ ताकि इतना दूर आ गया तो ये कवर कर ही लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी निकलते हैं होटल से। सामान वगैरह मैंने सब सेट कर लिया है, ये रूम मैंने पूरा खाली कर दिया है, और कुछ मेरे आइटम्स पड़े हैं यहाँ पे, बोर्ड वगैरह। मेरा मैसेज तो आप सबको याद ही होगा, वासु वन ट्रिप जोधपुर टू आसाम, सेव एंड प्लांट मोर ट्रीज, सेव एनिमल्स, प्रमोटिंग नेशनल टूरिज्म। तो मेरा मेन आसाम तक का ही था, पर मेघालय तो मैं मेरी मर्जी से आया हूँ। तो खैर कोई नहीं, अब चलते हैं। हेलमेट में माउंट लगाना है मेरे को, और ये रूम मैंने खाली कर दिया, कुछ आइटम है नहीं। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं मोटो ब्लॉक के सेटअप पे। तो गाइस फाइनली हम लोग निकलने की तैयारी में, मैंने सामान वामान सब पैक कर लिया, और एक बैग मैंने अपने पीठ में ले लिया है। तो अभी बस प्रिंस भाई अपनी गाड़ी फोल्ड स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं भी अभी निकालूंगा अपनी गाड़ी, बुलेट मैंने पैक कर दी है। ठीक है गाइस, बाय बाय करते हैं शिलोंग को, और चलते हैं डाउकी चेरापुंजी की तरफ। अभी हाल फिलहाल मैंने मैप चेरापुंजी का लगाया है, तो चलते हैं यार वहाँ पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो शिलोंग के मकान वगैरह कितने मस्त हैं, और मैं जस्ट अभी नीचे उतरा हूँ घाटी से, घाटी मतलब कि ढलान से नीचे उतरा हूँ मैं, और आप देख सकते हैं ये शिलोंग के नज़ारे। तो आज हम शिलोंग को छोड़ने वाले हैं गाइस, और जाने वाले हैं चेरापुंजी एंड डाउकी की तरफ। तो मुझे शिलोंग बहुत अच्छा लगा, कल मैंने 3 जगह कवर करी, वो आपको मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। क्योंकि शिलोंग एक्चुअली छोटी जगह है, बट यहाँ पे जगहें बहुत सारी हैं जो कि आप एक दिन में तो कवर कर नहीं सकते, और हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हमने एक दिन में 3 जगहें कवर करी हैं। और आज हम चेरापुंजी एंड डाउकी जाएंगे, तो वहाँ भी काफ़ी बहुत मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा आपको, बहुत मतलब खुशी होगी आपको देख के, और मुझे तो एटलीस्ट हो ही दिए कि मैं इस जगह को महसूस कर रहा हूँ। तो खैर अभी चलते हैं, और यहाँ पे कोई भी कहीं से भी निकल जाते इसे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये अपने प्रिंस भाई जा रहे हैं खींचते हुए गाड़ी, अपने तो भाई बुलेट है यार, बुलेट इसलिए तुमको पता है ना, खींचती नहीं है। फिर भी भाई मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा डर लगता है ना यार भाई बुलेट से, चलाने में बहुत मस्त है, पर जो आपने इसके साथ खेल लिया तो भाई ये खेल लेके आपके साथ, तो वही चीज़ें, प्यार की चीज़, प्यार से चलाओ अच्छा लगता है। भाई रोडे देख रहे हो, रोडे कैसे है, बिल्कुल पूरी कर्व्ड रोडे हैं यार, पूरी कर्व्ड। और यहाँ के जो लोग हैं भाई, यहाँ के उनको आदत हो चुकी है चलाने की, हमको थोड़ा दिक्कत होता है। भाई देखो कितना मस्त जंगल टाइप एरिया आ गया है, और सच में यार मतलब बहुत ज़बरदस्ती है यार मेघालय यार,
भाई रोडें इतनी क्राउड है ना, मुझसे तो चल ही नहीं रही है यहाँ पे यार। इतनी बात पूरे यूटर्न है यार एकदम से। तो गाइस अभी हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए, सोच रहे कुछ खा लें यहाँ से निकलने से पहले। चले इसमें ओपन है, तो यहाँ पे आ चुके हैं गार्डन रेसिडेंसी और यहाँ पे नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग चेरापूंजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है गाइस, आप लोग भी नाश्ता वास्ता करो, खाना वाना खाओ, बॉडी वॉडी बनाओ और हम भी थोड़ा सा यहाँ से करके फिर आगे निकलते हैं। फिर पता नहीं है ना आगे मिले नहीं मिले, यही बात है। ठीक है गाइस, अभी हमने नाश्ते के लिए बैठे थे यहाँ पे और पराठे, गोभी पराठा है ना, गोभी पराठा आया है, बहुत किंग साइज पराठा है। तो ये अपने हेलमेट वगैरह पड़े हैं। और प्रिंस भाई कुछ कहना चाहते हो? भाई पराठा देख के मेरी जान निकल गई है, किंग साइज पराठा है। दो क्या सोच के मंगाए थे कि छोटे छोटे होंगे, पर भाई किंग साइज पराठा है यार। चलो ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट करो आसाम सीरीज को। भाई लोग देख रहे हो क्या हसीन वादियों में मैं आ चुका हूँ अपनी बुलेट को लेके, और अभी मैं बढ़ रहा हूँ चेरापूंजी की तरफ, क्योंकि यहाँ से 39 किलोमीटर बता रहा है। और रोड्स जो आप देख रहे हैं भाई, बहुत ही घुमावदार रोड है, मतलब डर सा लग जाता है एकदम से, कर्व्ड हो जाता है पूरा का पूरा रोड। अरे ये क्या हो गया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अरे प्रिंस भाई क्या हो गया, अरे यार रुको रुको रुको, पत्थर वगैरह है, थोड़ा सा ध्यान से चलाओ, यहाँ पे स्किड हो जाएगा ना, लगी तो नहीं? नहीं नहीं पक्का, स्लो थी बाइक। चलो ठीक है, थोड़ा पत्थर वगैरह ज्यादा है ना, थोड़ा ध्यान से चलाओ। ऐसे भाई पीछे देख रहा था यूं। अच्छा अच्छा, तो ये इधर गाड़ी इधर आ गई पत्थरों के बीच में। ओके ओके, लगी थी नहीं ना, कि रुके थोड़ी देर। नहीं चलो चलो, थैंक यू भैया, देखो चलो आराम से चलो। तो गाइस सर अभी प्रिंस भाई अपने गिर चुके थे, हाँ हाँ, कभी पत्थर पे आ गया ना। ओके थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। तो भाई प्रिंस भाई गिर चुके थे, तो अच्छा रहा कि गाड़ी वाड़ी नहीं आई, नहीं तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता अभी। और यहाँ के लोग, मैंने आपको बताया, लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, देख के रुक गए थे, तो मेरे से पहले वो लोग आ गए थे यार देख के। तो चलो कोई नहीं, और लगी नहीं है प्रिंस भाई को, वो थोड़ा सा बेटर हो गया। खैर आगे मिलते हैं दोस्तों। तो भाई लोग यहाँ भीड़ हो चुकी है गाड़ियों को देखने के लिए और फोटोशूट चल रहा है, सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं हमारे कई नए। हाय भैया, हम एक बार खाली हिल गए थे, हाँ आप इधर ही रहे, हाँ हम हिल गए खेल के, एक बार फोटो खींचेगा। खासी ट्राइब होती है वो जुड़े हुए यहाँ पे, और मैं तो हमेशा कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये दीदी हैं, तो इनसे एक खासी सॉन्ग सुनेंगे हम लोग। तो दीदी पहले अपना नाम बताइए। नाम युपिता। युपिता, युपिता, ओके ओके, सेवन माइल। और दीदी की शॉप में हमने पानी वानी पिया है, और अभी दीदी से रिक्वेस्ट की है एक सॉन्ग सुनने की। कोई भी सुना दो, कोई भी सुना, कोई भी, जो अच्छा लगे, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा चलेगा। अरे अरे इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, कुछ भी सुना दो, तो आपके हमको तो, अरे इसके लोग इतने अच्छे लगते हैं ना, हम तो मतलब बहुत सुना है कि इधर से लोग बहुत मतलब हेल्पफुल होते हैं, काइंड होते हैं। तो एक शर्माओ में, शर्माओ में, हम छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, सुनाओ सुना दो, सुना दो, हाँ सुना दो, सुना दो, सुना दो, थोड़ा सा सिर्फ वन मिनट का लाइन, वन मिनट का लाइन, वन मिनट, आपको अच्छा लगता है? नहीं, नहीं। तो गाइस जैसे कि यार दीदी थोड़ा शर्मा रही है कैमरे के आगे, तो कोई बात नहीं, चलो फिर भी इनकी वीडियो हमने शूट कर ली है, और इनकी स्माइल बहुत अच्छी है, सीरियसली है। गाइस ये हम आ चुके हैं बिल्कुल गुफा के पास, तो एक्चुअली ये गुफा जो बनी हुई है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ कुछ मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है, जैसे यार वो हमारी होती है ना बद्दरपुर,
जो घरों में काम आती है बद्रपुर बनाने के, तो ये वो निकाली जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे गुफा देखो अंदर, वो कितना ठंडा हो रखा है, सीरियसली जबरदस्त लग रही है यार, अंदर से खतरनाक लग रही है। हाँ वो भाई अंदर आते आते देखो, अंदर अंदर चले, अंदर अंदर नहीं, नहीं साफ सुथरा नहीं होगा। खैर गजब की गुफा आ रही है यार यहाँ पे। लाइट जलाओ, लाइट मोबाइल की। ये भाई भूल भुलैया है, कहीं भी खाई है, नीचे देखते रहना। डर गया मोटा भाई, डर गया, डर गया मोटा भाई, नीचे कोई खाई खुई हुई तो मैं दबाऊंगा। डर गया मोटा भाई, डर गया। तो भाई देख सकते हो यार, दूर से लग रहा था कुछ इंटरेस्टिंग है, वाकई में इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो यार, हाँ भाई डर भी लग रहा है। ओ भाई नीचे सांप, 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 सांप आए यार, सांप नहीं है क्या ये भाई, रस्सी पड़ी हुई है शायद। अबे यार तुम भी यार ना सही में फट्टू हो यार। अरे यार रस्सी है, हाँ रस्सी है यहाँ पे, कैसे आ गई है वो भगवान कसम, मुझे लगा कि सांप है यार। हाँ अबे यार भाई आगे देखो, आगे वो, अरे वो आगे देखो, पूरा पूरा आगे गुफा देखो यार भाई, चले यार। अरे रहने दे भाई, मेरी फट रही है यार, डर लग रहा है यार, रहने दो। अरे रहने दो यार, अरे मत जाओ यार, हाँ रहने दो रहने दो, ऐसे यार काम का बहन को पकड़ लेगा। हाँ बिल्कुल भूल बताई है, ऐसे घूम जाएंगे यार, कोई फायदा नहीं है। अरे मोटू भाई डर गया, डर गया मोटू भाई। तो चलो गाइस अभी चलते हैं हम सीधा अपनी बाइक के पास। तो गाइस इस रूट पे आपको होम स्टे की कमी नहीं पड़ेगी, मतलब कि हर घर के अंदर होम स्टे है और इजीली अवेलेबल हो जाएगा, रूम से कोई टेंशन नहीं है। हर घर के अंदर, सब घर के अंदर होम स्टे है, तो आप कहीं भी ठहर सकते हैं। तो गाइस अभी हम लोग लिविंग रूट विलेज की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे रास्ते में ही एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पे आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा गार्डन है, बच्चे वहाँ फुटबॉल भी खेल रहे हैं, तो देखने में इतना मनमोहक लग रहा है। और जैसे हम अंदर घुसे तो क्लाइमेट भी आप चेंज हो गया, देख सकते हैं पूरा बादल 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 हो गया है। तो खैर चलते हैं अभी आगे और देखते हैं वहाँ पे लिविंग रूट किस तरह से दिखता है भाई। गाइस देख लो यार कितना मस्त नज़ारा है, रुक के दिखाता हूँ आपको पूरा का पूरा। छोटे 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 नहरें बह रहे हैं यहाँ पे, ओए होए 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 होए, क्या नज़ारा है भाई। नॉर्थ ईस्ट यार सच में जन्नत है यार, जन्नत है। तो गाइज यार अभी मैं लिविंग रूट विलेज की तरफ आ तो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली यार संडे है आज और हमें पता नहीं था, तो क्लोज़ है लिविंग रूट ब्रिज। मैं अभी फ़ोटो डाल देता हूँ साइड में, आप देख सकते हैं डबल डेकर ब्रिज है, वो इसी रूट पे है और यही है। मंडे को ओपन होता है, मंडे टू सैटरडे, संडे क्लोज़ रहता है और टाइमिंग रहती है मॉर्निंग 6 बजे से शाम को 5 बजे तक। ठीक है गाइज, तो ये ऐसा कुछ सीन है, वो देखो वो गार्ड बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ये बोलता है कि 1,00,000 रुपये दोगे तो भी नहीं जाने दूंगा मैं। तो ठीक है यार, हमको तो नहीं देना रुपये वगैरह, ठीक है, ये क्लोज़ है। और आप लोग अगर आते हो तो गाइज़ मंडे से सैटरडे तक विजिट करना। अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं देख पाया, पर आपके साथ ऐसा नहीं हो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और कुछ चीज़ें स्कैम भी हैं, होम स्टे बहुत सारे हैं ना यहाँ पे, तो एक्चुअली इनको पता है कि संडे को सारे विजिटर्स आते हैं, तो अगर संडे को गलती से कोई आ गया और इतनी दूर आने के बाद नहीं देखते तो वो क्या सोचता है कि चलो स्टे कर लेते हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ है, मंडे को संडे, मंडे से संडे ओपन है, सैटरडे बंद, संडे बंद है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। कोई जगह भी जैसे जगह संडे क्लोज, संडे क्लोज जाने आने टूरिस्ट आया तो हम बोला नहीं चाहिए, संडे क्लोज तो बड़ा के नीचे, संडे क्लोज तो मंडे आया तो अच्छा है, 6 बजे 6 o'clock आया तो अच्छा है, खोलो गेट खोलो, टाइमिंग है 6 a.m. to p.m. ओके संडे क्लोज। तो गाइस मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, ये लिखा भी हुआ यहाँ पे कि एंट्री टाइमिंग फॉर टूरिस्ट मंडे टू सैटरडे 6 a.m. to p.m. और एंड संडे क्लोज। तो हमें ये चीज़ पता नहीं थी, तो हमें ये चीज़ बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। संडे का, संडे को सिर्फ ये पता था कि यार संडे को मार्केट बंद होती है, हमारे खासी भैया। हाँ ये हमारे खासी भैया, यू नो खासी सॉन्ग, यू सॉन्ग फॉर अस,
just a little bit, you know. Yes, yes, chal. Hamera ngong ya phi long kum ni te kade 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 kar ka ain kar mde ban please sunde sunde khang bale ngilong ngilong ngilalong ngilalong kristan khang sunde lach na kata nginom khang kya baat hai north east people are very western khasi this is my khasi brother north east salute 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 khasi tribe jao.